हमारा नाम रतन बाई। मेरा नाम रतनी बाई है, मेरे गांव का नाम माकड़ा देव है और मेरा पीहर मादड़ी में है। मादड़ी है, मैं बहुत सुखी परिवार की लड़की हूँ। जब मैं 12 साल की थी तब मैं मेला देखने गई थी, वहाँ से अम्बालाल जी मुझे उठा कर ले गए और अपने घर में बंद कर दिया। फिर मेरे घर वालों को समझाया कि मेरी शादी अम्बालाल जी के साथ कर देनी चाहिए। पापा ने कहा अम्बालाल जी ला रहे, शादी करा दियो। इसलिए दोनों परिवारों की आपस में बात हुई और इस तरह 12 साल की छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई। कम छोटी उम्र में शादी कर ली। 15 साल की उम्र तक मेरे दो बच्चे हो गए और अभी मेरे 7 बच्चे हैं। अभी हमारे बच्चे सासू जी ने, मेरी सास ने मुझे बहुत परेशान किया, मेरी ननद ने भी बहुत परेशान किया। पूरा दिन मैं काम करती थी, पानी रोटी घर का काम सारा काम करती थी, फिर भी परेशान करते थे। माँ मुझे भूख लगी। दो घड़ी रुक जा मेरी बिटिया, दादी को काढ़ा दे दूँ फिर तुम्हें दे दूँ। पहले मुझे दो। बैठ जा, बैठ मुन्ना। माँ क्या हुआ? माँ मैं मर जाऊंगी तब काढ़ा बनेगा के? काढ़ा भी आने की अभी तक एक यही मिली थी भाई साहब को, ना अकल ना शकल। अरे मारी चिता को पिलाएगी तब जाके चैन आवेगा। मैं क्या संभालती फिरूं? एक काम भी ढंग से कर लेना तो मैं चढ़ावा चढ़ाऊं। अरे और रानी, अरे और रानी आई भाई साहब। अरे 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 अरे, अरे सारा दूध बहा दिया, थारे दहेज की गाय बंधी है ना बाहर। अरे भाभी कोई काम तो सलीके से कर लिया करो। ना तो मेरे बच्चों को खाने पीने को मिलता था और ना ही मुझे मिलता था। इतना बड़ा परिवार है, मेरी सासू जी यही कहती थी इतने सारे बच्चे इन सबको निकाल दो, घर से बाहर कर दो। और कुछ भी खाने नहीं मिलते थे। यो लग रही है, मेरा मन करता था या तो घर छोड़ के भाग जाऊं या मर जाऊं। फिर मन में सोचती थी क्यों करूं मैं, मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान करते थे, इस औरत को घर से निकाल दो, क्यों उठा कर लाए हो। मेरे ससुराल वाले बहुत परेशान करते थे। क्या करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। खुद तो मैं भूखी रह जाती पर बच्चों को कैसे खिलाऊं क्या पिलाऊं। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी, ना नौकरी कर सकती थी, ना मैं मजदूरी कर सकती थी घर का काम छोड़कर। बहुत परेशान हो गई मैं। फिर हमारे गांव में साथी जी आए, ग्राम सेवक। पर पिछली बार जब तू अपने लुगाई के पियर गया था तब तो उनके पंडित ने कहा था कि थारे भविष्य बहुत उज्जवल है, इस साल थारो खूब कमाई होगी। फिर थारो धंधो मंदो कैसे पड़ गयो? पंडित की भली याद दिलाई। मारे मीठे सपने दिखा के अपना भविष्य उज्जवल कर गया साला। पूरे 51 रुपए दिए थे दक्षिणा में साले को। जय श्री कृष्ण अम्बा जी। जय श्री कृष्ण बड़की भाई, आओ आओ। देखो तो किनको लेके आई हूँ। ये रमेश साथी जी हैं, समाज सेवक, गांव की भलाई के लिए काम करे। वो क्या है ना कि सरकार ने गांव की लुगाइयों के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए हैं ताकि घर बैठे बैठे 4 पीसे कमा सके, यही बताने आए। आओ बैठो साथी जी बैठो। ओ रतनी और गीता का है, बुला लो, बताएंगे ना ये उनको। ऐसी की बात है, पहले मारे बताओ सा, मारे जचे तो देखें। आप उन्हें बुलाइए तो सही, आखिर उन्हें भी तो पता चले कि कार्यक्रम क्या है। मैं सब कुछ आपके सामने ही बताऊंगा। आखिर सरकार ने कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं के लिए ही शुरू किया है। अरे ओ गीता बाहर आना और शीला की माँ को भी ले आना जरा, अपन को भी तो पता चले सरकार लुगाइयों को पीसा कमाने का कौन सा तरीका सिखाने चली है। नमस्ते।
मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि सरकार ने आप लोगों के लिए कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे आप अपने घर बैठे खाली समय में कुछ काम करके कुछ पैसे कमा सकें। सरकार आप पुरुषों को रेशम के कीड़े पालने का काम सिखाएगी मुफ्त में, और आप ये काम सीखकर अपनी घर की औरतों को ये काम सिखा सकते हैं। उसके बाद औरतें सेंटर में आकर काम शुरू कर सकती हैं। रोज के काम के रोज पैसे मिलेंगे। पर इसमें सरकार का क्या फायदा है? सरकार को रेशम के कीड़ों की आवश्यकता होती है। इसमें आप लोगों को अच्छी खासी आमदनी होगी और सरकार की जरूरत भी पूरी होगी। सेंटर में केवल औरतें ही काम कर सकती हैं, इसलिए आपको इसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, और औरतें ये काम अपने खाली समय में आराम से कर सकती हैं। पैसे कितने मिलेंगे? रोज के 30 रुपए। 30 रुपए तो मारे के करना होगा। आप लोगों को ट्रेनिंग सेंटर आना होगा, अपनी पत्नी का नाम लिखाना होगा और बस 7 दिन ट्रेनिंग लेनी होगी। तो ठीक है, क्यों रहा तो नहीं? फिर हमारे अड़ोसी पड़ोसी साथी जी बड़े ही भले आदमी थे। उन्होंने आस पड़ोस के पूरे गांव वालों को समझाया इस सरी कल्चर स्कीम के बारे में। शहतूत रोकड़ा काट कर खेत में लगाना होता है। इस तरह से पेड़ पौधों को हमारे खेत में लगाया गया। सब महिलाएं मिलकर काम करती थी, आदमी तो सिर्फ हल चलाते थे। सब कढ़ाई निदाई खुदाई सब महिला करती थी, और जब पेड़ बड़ा होता था उस पर पत्तियां आती थी छोटी छोटी, तो उन पर कीड़े पाले जाते थे। ये ट्रेनिंग कि इन कीड़ों को किस तरह से पालना है ये पुरुषों को दी जाती थी, लेकिन पुरुष ये ट्रेनिंग महिलाओं को देते थे कि छोटे कीड़े छोटी पत्तियों पर, बड़े कीड़े बड़ी पत्तियों पर। और बड़ा जिम बड़ा वेजा जिम बड़ी बड़ी पत्ती नाकवी है। और फिर मैंने सारा काम तो महिला करती थी, और पुरुष जाकर सरी कल्चर से सारा पैसा ले लेता था। खट्टी महिला सारा मेहनत महिला करती थी, और ये पैसा लेकर क्या करता था? दारू लेकर आता था, दारू पीता था, किसी की सुध बुध नहीं, घर की सुध नहीं, और आकर दंगा भी करता था। पीसा कहाँ गया? यही तो रखा था। जरा सुनो सुनो, क्या हुआ? मंदिर के पास पीसे रख के गई थी, कहाँ है? कौन से पैसे? कौन पैसे? वही जिसकी दारू लाया है तू। अरे तो ले आना, अब क्या पूछे है? मारे बच्चे भूखे हैं, उनके खाने को पीसे नहीं, और तू दारू ले आया। ज्यादा दिमाग खराब मत कर मारा। क्यों ना करूं? सारा दिन खट खट के 2 पीसे कमाती हूँ अपने बच्चों के पेट के वास्ते, और तू अपनी मौज मस्ती में उड़ा देता है। चुप कर, तेरा धनी हूँ मैं, समझी? पैसे ले लिए तो कोई पाप नहीं किया, और दारू ना पीऊं तो तेरी बकझक कैसे झेलूं? बकझक करने में मारे कोई सुख को नहीं मिले हैं। तारे को झेल नहीं पाती हूँ, इसलिए बकझक करती हूँ। मारी ना सही, बच्चों की सुध ले लिया करो, बाप हो। अब तू माने समझाएगी कि क्या करना है? मारे आगे जुबान चलाएगी? किस्मत टूटी है मारी तो, सारा दिन खट खट के काम करो, और इसकी सुनो पता नहीं कहाँ करता है। मारे को सिखा रहे तू? मारे को सिखा रहे तू? मैं तेरा धनी हूँ, समझी? मारे को मारे सामने जुबान लड़ावे तू? मारे सामने जुबान लड़ावे तू? बोल बोल, मैंने पैसे ले लिए तो मारे थे। मारे को सवाल नहीं। सारे पैसे की दारू पी जाता, पैसा बचता तो घर ले आता, नहीं बचता तो खत्म बात। घर वाली पूछती रहती कि पैसा दे दो, इस तरह से घर में बहुत दिक्कत आ गई। सब्जी साबुन खाना पीना बहुत परेशानी आ गई। फिर मैं अपने आप से पूछती रहती, इतनी परेशानी आई है मैं क्या करूं? क्योंकि पुरुष तो बहुत दंगा करते हैं घर में। सोचा क्या करूं, सारा काम तो महिलाएं करती हैं, और पुरुष ने तो काम करना ही छोड़ दिया क्योंकि बैठे बिठाए हाथ में पैसे आने लगे हैं। बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं,
ना तो मैं बच्चों को पढ़ा सकूं, ना उनको खाने पीने के लिए ही कुछ दे सकूं। मेरा मन बहुत उदास रहने लगा। इसी चिंता में एक दिन मैं कुएं पर गई। वहाँ हमारे गांव की बहन जिसका नाम बड़की बाई है, वो बोली, क्यों उदास है तू? चिंता चिंता में मुँह हेडपम्प घी पानी ले तो फिर हमारे दिन एक बटकी बाई करे नाम है, वो बोली भाई क्यों उदास है तू? जय श्री कृष्ण रत्नी बाई। जय श्री कृष्ण भाई। कैसी हो? ईश्वर की दया है बड़की भाई। ना, ईश्वर का नाम लेके झूठ नहीं बोलते रत्नी। तू तो जानती है ना, गांव में एक घर की दूजे से छिपी तो रहती कोनी। नन्ना बालक भी रोए है ना तो पूरे गांव को खबर हो जाए है। और फिर थारे घर में तो कल रात काफी कोहराम मचा हुआ था ना। बता बात क्या है? आजकल कुछ ज्यादा ही हल्ला सुन रही हूँ अम्बा जी का। तुम तो सब जानो हो बड़की भाई, ये रेशम के कीड़े का काम शुरू किया था। सोचा था चार पैसे और आवेंगे तो बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी। मैं अनपढ़ रही तो क्या, मेरे बच्चे तो स्कूल जाएंगे, मेरी चोरियों के कर्म तो सुधर जाएंगे। मेरे पे जो बीतनी थी बीत गई, मेरे बच्चे तो पेट भर खाएंगे। क्यों? सेरीकल्चर वाले पीसे नहीं दे रहे थारे? उनके पीसे देने से क्या होता है जब अपने ही धड़ी में खोट हो तो? अरे तो मत भेजना उसको पीसे लेने को, तू खुद जा पीसे लेने को। मारे कौन देगा पीसे? हिसाब किताब तो उसी का काम होवे है ना। थारे पता नहीं, रेशम के कीड़े का धंधा सरकार ने सिर्फ औरतों के लिए चलाया है। इसके सारे पीसे थारे नाम पे है, अम्बा जी के नाम से नहीं। मारे नाम पे पीसे कौन देगा? मरत तो वो है, दफ्तर तो वही जाता है। वो तो इसलिए ना कि सरकार समझती है कि थारे को वहाँ पहुँचने में तकलीफ होवे है, हैं? तू चाहे तो सारा पीसा थारे अपने हाथ में मिल सकता है। सरकार चाहती है कि हम औरतों की जो कमाई अपनी होती है ना, उस कमाई से हम अपने घर बार को ठीक से चलाएं। तू खुद जाने डाकखाने, थारा खाता खुला है ना उधर, अपने पीसे जमा कराओ, पूरा अपने पीसे का हिसाब किताब तू रख। मारे को जब बड़की बाई ने बात बताई, मैं बहुत खुश हुई। ये सुनकर मेरे दिल को बहुत खुशी और आनंद हुआ। बढ़िया प्यारा आनंद लागो। इस तरह मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से पाल सकूंगी, उन्हें पढ़ा सकूंगी, उन्हें अच्छी तरह से खिला पिला सकूंगी। ये सोचकर मुझे बहुत खुशी हुई और दूसरे दिन मैं पोस्ट ऑफिस गई। जय श्री कृष्ण। पैसे जमा कराने हैं? फॉर्म भरा कि नहीं? कौन फॉर्म? ये देखिए, यहाँ पे ना अपना नाम लिख दीजिए। भाया मारे लिखना कोना आवे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितने पैसे जमा कराने? लाइए मैं करा दूंगा। यहाँ पे अंगूठा लगा देंगे आप? जाइए बेफिक्री से जाइए, आपका काम हो जाएगा। जमा हो गया? हाँ हाँ। भगवान थारा भला करे भाया, थारी मदद से मारा काम हल्का हो गया। मैं तो आप लोगों की मदद के लिए यहाँ पे हूँ, आप कहें तो रोज जमा करा दूंगा पैसे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या बात है, घनी पसंद दिख रही हो। हाँ बड़की भाई, पूरे हफ्ते अपने पीसे डाक खाने में जमा करती रही, आज निकाल के लाई हूँ। खूब पीसे वाली हो गई मैं। बालकों के लिए मिठाई खरीदूंगी, छोड़ियों के हाथ में चूड़ियाँ डलवा दूंगी, अम्बा जी को थोड़ी पीसे दूंगी। अरे वाह, कितने पीसे निकाल लिए? पूरे हफ्ते भर के निकाल के लाई हूँ, जरा गिन तो दो। हाँ। ये हफ्ते भर के हैं? तू तो रोज जमा कराने जाती थी ना पैसे? हाँ भाई, घना भला भाई है, रोज जमा कर देवे। क्या हुआ? थारी तनख्वाह तो 30 रुपए रोज है ना? हाँ। तो एक हफ्ते के
210 रुपए बढ़ते हैं। ये तो केवल 70 रुपए है। ऐसा कैसे हो सके? हे भगवान, मारे पीसे, मारे तो पहले ही डर था, डाक खाने वाले मेरी पीसे खा गए। इससे तो मटके में दाब के रख लेती तो सुखी होती। मारे पीसे मारे पास तो होते, इतनी मेहनत की कमाई लूट ले गए बदमाश। थारे जरूर वो आदमी लूट गया रखनी। तूने कभी देखा कितना पैसा जमा किया उसने? पढ़ लिख जाती तो इतना तो देख पाती कि ना। मारे तो करम ही खोटे बड़की भाई। रतनी, खोटे करम खरे करना कौन सा मुश्किल। पढ़ लिख जा, पढ़ लिख जावेगी तो गिनती सीखेगी और अपना हिसाब किताब कर पावेगी। देख, मारे को लूट सकिया कोई? पढ़ी लिखी मैं थी नहीं, हिसाब मुझे आता नहीं था। जितनी मैंने मेहनत की थी उतना पैसा मुझे मिला नहीं। फिर एक आस्था संस्थान है उदयपुर में, मुझे पता चला कि वो औरतों को पढ़ा रहे हैं और मैं वहाँ पढ़ने के लिए गई। जब मैं ट्रेनिंग में गई, मैं पहली बार घर से बाहर निकली थी। बहुत डर लगता था, कैसे गाड़ी में बैठूंगी, कैसे जाऊं, अगर रात हो गई तो क्या करूंगी। फिर वहाँ मैडम मिली, वो लाइब्रेरी में मुझे पढ़ाती थी। फिर ट्रेनिंग में गई, वहाँ एक मास्टर साहब थे, उनको देखकर बहुत डर लगता था। ये तो पुरुष है, कैसे जाऊं इनसे सीखने। पूरी ट्रेनिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, शर्म आती रहती थी, इधर उधर बैठी रहती थी, खाना पीना भी ऐसे घूंघट में करती थी। बहुत डर लगता था, रात होने से पहले घर पहुंचना होता था। पहली बार घर से बाहर निकली थी, बहुत उदास थी। फिर वहाँ संगठन के बारे में बात समझाई गई, मुझे थोड़ा कुछ समझ में आया। संगठन में ये बताया गया कि रसोई और खेत के अलावा भी बाहर दुनिया में कुछ है। ये बात मुझे धीरे धीरे पल्ले पड़ने लगी। 5 दिन के साक्षरता के कैंप में कोठड़ी सावनी में मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर 5 दिनों में हमें कुछ कुछ अक्षर गिनती समझ में आने लगा। फिर मैं बहुत खुश हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मैं बहुत खुशी हुई। फिर आस्था वालों ने बंगलोर में एक टूर में ले जाने के लिए 10-15 बहनों को तैयार किया। ये एडवांस सेरिकल्चर के कोर्स के लिए था। फिर हमारे घर वालों ने मना कर दिया, कहा नहीं जाना है बाहर, कह दिया। बहुत बहुत कहा, बुरा बुरा और मारा भी। सोचने की गांव के बाहर जावेगी, पराए लोग लुगाइयों के साथ भटकेगी, है थारा धड़ी मर गया है के तो लोग लुगास बोल के पैसे कमाने निकलेगी। है बोल तू, बोल, मारे को भी तो पता लगे इतनी दूर अकेली गांव में जाके क्या करेगी तू। तो ऐसा कौन सा धंधा सीखने जा रही है तो तू अकेली यहाँ इस घर गाँव में ना सीख सके। बोल बोल, हाय बोल बोल बोल, तुझे ना कौन सा धंधा सीखने जा रही है, तेरा मारे को भी तो खबर लगे। हाय बोल, फिर हमारे फिर मेरे परिवार वालों को बड़की बाई ने समझाया कि अपने परिवार की भलाई के लिए ही सीखने के लिए बाहर जा रही है। मेरी ननंद को भी बहुत समझाया कि गलत रास्ते पर नहीं जा रही है। तू ही समझा अपने भाई साहब को, आज 5 रुपए कमाती है तो कल को 50 रुपए कमाने की तरकीब सीख के आएगी। काम तो वही करेगी ना जो कि सीख के आएगी, और फिर सारी की सारी आमदनी अपने धनी के हाथ पे धर देगी। उसके बाद मजे से घी बाटी खाओ। आज कितना रुपया? 30 रुपया कमाती है। 30 रुपया तो ट्रेनिंग करके आएगी ना, तो उसके बाद रोज के 50 रुपए मिलेंगे। 50 महीने के हुए 1,500 रुपए। 1,500? मैं तो कहती हूँ अंबाजी घराई लक्ष्मी को ठुकरा रहा है। भली कही भाई साहब, मैं समझाती हूँ भाई को, लक्ष्मी को धुतकार के भरा जीना कहाँ संभव है। मैं बेंगलोर गई, बेंगलोर मैसूर, वहाँ मैंने बहुत सारी चीजें देखी। मेरी तो आंखें खुल गई बाहर की दुनिया देख के। बेंगलोर में ज्यादातर शहतूत की कमाई है, वहाँ कुकून का उत्पादन है। वहाँ पर मैंने सारी बहनों को देखा, सब इतनी पढ़ी लिखी हैं, अलग अलग बिजनेस और धंधा कर रही हैं। ये देख के मेरी आंखें खुल गई कि अगर ऐसी बहनें, इतनी पढ़ी लिखी, इतना अच्छा समझदार धंधा करने वाली बहनें हमारे गांव में होंगी तो कितना अच्छा होगा।
अणी भी नहीं देखे नमी हिकवा में लिखे ऐसी रेसी बिना हमारे भी तंदो गांव में साले ते ज्यादा असर है। वापस इसीलिए बेंगलोर से आने के बाद आस्था वालों ने गांव में एक बैठक बुलाई। लुगाइयां सूट बूट पहनकर मोटर गाड़ी चलाती हैं, मर्दों के साथ साथ मिलकर काम करती हैं। मैंने सोचा जब ये लुगाइयां ये सब कर सकती हैं, तो अपन क्यों नहीं। अपने में अकल है, सकत है, पर एक चीज की कमी है अपने में, पढ़ना लिखना को नहीं आवे। यही मूल है अपनी मुसीबत का। अपने को कोई बेवकूफ बना दे, अपने को खबर ना लगे। बाहर वाला लूटे, घर वाला कूटे, और ये सब इसलिए क्योंकि अपन लुगाइयों को अपने हक की खबर को नहीं। खबर तब होवे जब विद्या बुद्धि आवे तो। और इन मर्दों को डर लागे है कि अगर हम लुगाइयां पढ़ लिख गई तो इनका राज खत्म कर देवेंगी। अंबा जी, अरे हो अंबा जी, संभाल अपनी घरवाली को। क्या हुआ भाया? जाकर देख पीपल के नीचे, वहाँ बैठ कर भड़का रही है हमारी घरवाली को। क्या बात करो भाई जी, लुगाई जात भला वो क्या भड़कावे किसी को। कान न खुला अंबा जी, अपना माथा उघाड़ के इधर उधर भटकने के बाद चरण नहीं मिला तो आप चलिए गाँव में सुधार करने। और अगर तू नहीं सुधार सकता अपनी घरवाली को तो बोल, मैंने तेरे थारी तरह चूड़ियां नहीं पहन रखी। बड़ा अवतार दिखाने की जरूरत कौन है, अपनी लुगाई को मैं संभाल लूंगा। और इतना ही मर देना तो जाके संभाल अपनी लुगाई को, काबू कर उसे। मारे कोसने क्यों आया है? जब तक मैं अनपढ़ थी तब तक मैं खटती रहती थी, फिर भी मारा पीसा मरा अपनाना था। अब देखो, अपना पैसा कमाती हूँ, अपने हिसाब से खर्चती हूँ। बाहर की दुनिया देखो तो थारे को समझ आवे, पढ़ लिख के बुद्धि तेज हो जावे तो अपना घर बार सुधर जावे, सबकी बुद्धि लग जावे तो पूरे गांव की काया पलट हो जाए। अरे अपना पैसा कमाओ तो दूसरे का बैंक ताना क्यों सहो। ए रतनी, के पट्टी बढ़ा रही है सबको, कौन सा समाज सुधार करने चली है, चल घर। मारे को घर को नहीं जाना, मैं कोई गलत बात को ना बोली, सबकी भलाई की बात करूं हूं। तुम मर्दों ने लुगाइयों को अपनी गुलाम बना के छोड़ा है, जब चाह हाथ छोड़ दिया, अब कोई लुगाई ये सब ना सहेगी। चुप कर, चार पीसे क्या कमाने लगी, खुद को यहाँ की महारानी समझ रही है? थारे को तो मैं बताऊं सो, थारे तो मैं ठीक करता हूँ, चल, चल। छोड़ो इसको, छोड़ो इसे, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। पुलिस के कर सके है, मैं धनी हूँ इसका, जो चाहे वो कर सकूं। धनी धनी, धड़ी होने से इस पे हाथ छोड़ने का कोड़े मिल जाता खारे। छोड़, नहीं तो मैं पंचायत जाऊंगी, थारी सारी इज्जत मट्टी हो जावेगी। के बोली तू? थारे अत्याचार अब ना सहूंगी। औरत तो घर की इज्जत होवे है, तुमने कभी अपने इज्जत की इज्जत ना की तो मैं क्यों चुप रहूं। अपने हक जान गई हूं मैं, हाथ तो लगा के देख के कर सकती हूं मैं। देखता हूं, तू लौट के घर आ, फिर देखते तू के करती है और मैं के करता हूं। अरे मैं चलती हूँ, बच्चे घर में भूखे होंगे। ए चंदा भाई, बैठ इधर। ये रतनी है ना, 13 बरस की थी तब से इसका धनी इसकी ऐसी दुर्गत करता आ रहा है। और चंदा भाई, तेरा धनी वो भी ऐसा ही करता है ना तेरे साथ। और तू मंदा, तेरा धनी भी यही करता है, तुम सबका सबका यही हाल होता है। आज आज रतनी के साथ ऐसा बीता तो सब उठ के चलने को तैयार हो रही हो, इसीलिए इसीलिए ये हाल है तुम सबका। पर अपन क्या कर सकते? अरे घड़ा कर सके हैं, अपन समझे हैं कि अपन में तो सकत ना है। अपन सब मिल जाए ना तो घड़ी सकत है। आप लोगों की मदद के लिए सरकार ने कानून बनाए हैं, लेकिन कानून तक पहुंचने के लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। गांव में एक महिला मंडल बनाना पड़ेगा, सबको मिलकर। हाँ, अपन मर्दों की जाति सहेंगी कोनी। पर महिला मंडल क्या कर लेगा? वही जो अभी हमने किया, यानी गांव में अगर किसी एक पर मुसीबत आए तो सब मिलकर उसका विरोध करें। अब हम दोनों बोली तो उसका असर देखा, अंबा जी कैसा भागा। अगर रतनी अकेली होती
तो क्या वो छोड़ता है इसको? मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। महिला मंडल बन जाने से आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। आप वहां पढ़ना लिखना भी सीख सकती हैं। अब अपनी भलाई के बारे में तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों की भलाई के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अब इतनी उम्र तो गंवा दी आपने बिना पढ़े लिखे, पर अब भी वक्त है कि हमारी जिंदगी तो सुधरे ही, हमारे बच्चों, हमारी बेटियों की जिंदगी भी बन जाए। ऐसा करते करते आदिवासी महिला जागृति नाम से हमने एक समिति बनाई। उस समिति में बड़कीबाई अध्यक्ष और मैं रत्नीबाई सचिव चुनी गई। हमने ज्यादा से ज्यादा बहनों को उस समिति में शामिल किया, उन्हें समझाया कि काम करने से क्या होता है। मैंने सोचा कि दूसरों के पैरों पर कब तक खड़े रहेंगे? अगर हमें आदिवासी जागृति में जागृति लानी है तो हमें खुद अपने पैरों पर खड़ा रहना पड़ेगा। यही मैंने उनको बार बार समझाया। खड़ा रहिए, फिर हमारे आदिवासी जागृति जागृति लानी है तो हमें खुद पगमाते खड़ू था पड़े। हमारे और आज पूरे गांव में खुशहाली है। मेरे बच्चे पढ़ने जाते हैं, मेरे घर वाले और मेरा घर वाला सब मेरी कदर करते हैं, पूरा गांव मेरी कदर करता है। मैं बहुत खुश हूँ और मुझ में आगे बढ़ने का विश्वास पैदा हुआ है। और मैं भी इतने बहुत खुशी हूँ कि मैं आगे कुछ कर रही हूँ और हमारा आत्मा में विश्वास बन गया है।